तो यार आपने बहुत बार सुना होगा कि कश्मीर की डल लेक, लेकिन आज मैं आपको हमारे हिमाचल की डल लेक भी दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, यहाँ अभी मैं रह रहा हूँ, यहाँ से 2 किलोमीटर है और मैं ट्रैकिंग करके ही जाऊँगा। जी हाँ, पैदल ही जाने वाला हूँ। साथ ही साथ दो चीज़ें देखनी है, एक तो डल लेक जिसमें पता नहीं अभी तक पानी होगा या नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर जो दवाई, जी हाँ कोई हमारा एक फ्रेंड बीमार हो गया, उसके लिए दवाई लेने जाना है, तो साथ में वो भी लेके आते हैं। सिर्फ कोल्ड हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है यार, उनको आदत नहीं है यहाँ के टेम्परेचर की। तो चलिए अब वहाँ पे चलते हैं और आगे आपको रास्ते में आपसे बातें हुए करते जाएंगे। सबसे पहला रीज़न जो पैक होने का ये है कि यार अभी ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैं पूरा पैक होकर आया हूँ। और दूसरी चीज़ जो अभी ढूंढनी है यार, यहाँ से जो मुझे डल लेक के लिए एक शॉर्ट रास्ता ढूंढना है। जी हाँ, मैंने किसी से पूछा, उन्होंने बताया कि आगे टीवी टावर है कोई, वहाँ से स्टेयर्स जाती हैं, वहाँ से जाना है। तो देखते हैं भाई अब मिशन सक्सेसफुल होता है शॉर्ट रास्ते वाला या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गलत था, 0.5 किलोमीटर वहाँ बोर्ड पे लिख रखा है जो साइन बोर्ड है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको सबसे पहले ढूंढनी थी वो हमें ढूंढना था टीवी टावर। वो मुझे लगता है अभी तक के लिए अपने अकॉर्डिंग कि वो टीवी टावर वो मेरे सामने है, क्योंकि यहीं से सीढ़ियाँ आ रही हैं, नीचे तक जा रही हैं, क्योंकि अदरवाइज रोड तो ऐसे टर्न्स है। मैं दिखाता हूँ आपको एक बार, ये जो सीढ़ियाँ आ रही हैं भाई, मुझे ये सीढ़ियों के लिए बताया गया था शायद, मुझे लगता है यही है, क्योंकि जैसे ये सामने से सीढ़ी नीचे को जाएगी और गाड़ी वाला भाई पता नहीं ऊपर चढ़ा देगा। अब ये देखो भाई, ये है ना, ये सीढ़ियाँ आगे आपको मैं दिखाता हूँ, यही सीढ़ियाँ नीचे को जा रही हैं। तो मुझे लगता है इसी सीढ़ियों की बात हो रही थी, क्योंकि जो टावर है ना भाई वो इस पेड़ के पीछे है यार जस्ट, और शायद उधर से दिख भी रहा था, यहाँ से ना दिख रहा हो। तो चलो चलते हैं यहाँ से भाई, है थोड़ा डेंजरस। देखो हाँ, यहाँ पे मतलब शूज़ वगैरह थोड़े ढंग के पहन के आए ना बंदा, फिर ही है। लुक एट द व्यू ब्रो, ये देखो। और मुझे आगे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गलत जगह फंस गया, आई डोंट नो व्हाई। नहीं नहीं नहीं, ये है रास्ता, मुझे लगा यही तक है सिर्फ, बट ये भी रास्ता है। देखो ये भी रास्ता, क्या मतलब यही रास्ता है। चलो मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ कि मैं डल लेक के पास आ चुका हूँ या नहीं, मुझे लग रहा है मैं आ गया हूँ, क्योंकि यार मैंने वहाँ किसी से पूछा, वो कहते भाई 2 किलोमीटर है, बट यहाँ साइन बोर्ड पे 0.5 किलोमीटर बताया गया था। अब जाके पता चलेगा भाई ये डल लेक है या अभी ये कुछ हो रहा है, डल लेक इससे भी आगे है। तो चलो देखते हैं आगे जाके। ये मुझे कुछ दिख रहा है बट आई डोंट नो ये क्या है, हो सकता है डल लेक ही है यार, वो पानी है, मुझे ऐसा लगा पहाड़ है, वो पानी है वो। चलो देखते हैं वहाँ पर डल लेक में जाके, ठीक है। साथ ही साथ मेडिसिन भी लेनी है भाई, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये रहा डल लेक का रास्ता, बट पहले यहाँ देखो ट्रैफिक, कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है भाई, ज़्यादा ट्रैफिक है। और ये है डल लेक सारी। तो सबसे पहले यार मेडिसिन ले लेते हैं, ठीक है, उसका रिस्क क्यों लेना है, ऐसे घूमते फिरते लेट हो जाए बाई चांस। तो ये देखो यहाँ कुलचे वाला भी है भाई, ट्रैफिक का हाल देख लो भाई, हाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, देखो भाई जाम जाम जाम, ये हाल है भाई न्यू ईयर के पास में। तो भाई देख लो हाल यहाँ पे, आज ही न्यू ईयर है, आई नो अभी तक मैंने आपको हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोला है, बट कोई बात नहीं, बोलूँगा अच्छे से बोलूँगा थोड़ा, और अभी तक पता कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा। भैया मेडिकल शॉप कहाँ पे है, सामने है। तो लो भाई फाइनली आई थिंक मैं पहुँच चुका हूँ, वो रही सामने मेडिकल शॉप, चलते हैं। ये रहा, गाइस फाइनली मेडिसिन मिल चुकी है। मैंने पूछा भी भाई कि कुछ और तो नहीं हो सकता, कहते नहीं ये एनवायरमेंटल कोल्ड है, इसको दवाई को खाओ सही हो जाएगा। सो गाइस राइट नाउ आई एम इन डल लेक, तो आप देख सकते हो पीछे यार, इस जगह ने मुझे ना भाई खजियार की याद दिला दी। पता क्या, ये चारों साइड से देख लो पूरा ऐसे पेड़ों से घिरी हुई है, और बीच में जैसे खजियार का ग्राउंड है ना वैसे ही है ये सेम। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग एंड हैप्पी न्यू ईयर यार, खुश मस्त रहो, नया साल आपको बहुत सारी खुशियाँ लाए और कोरोना जैसी चीज़ों को दूर भगा दे भाई कसम से। ये देखो भाई ये डल लेक, पता है यहाँ पे बोटिंग भी होती है, बट अभी क्या टाइम है यार कि आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा आगे से कि वहाँ स्नो जम गई हुई है, तो कुछ टाइम बाद यहाँ क्या होगा कि इसमें भी स्नो जम जाई जाएगी पूरी पूरी, तो इसलिए बोटिंग नहीं होती, तो इस टाइम पर बोट्स हटा दी गई है। लेकिन आप जून मंथ के आसपास आओगे तो यहाँ पर आपको बोटिंग भी होगी, थोड़ा मौसम ठंडा भी रहता है, तो मतलब बिल्कुल मज़ा आने वाला जगह एकदम, ठीक है। अभी तो आप स्नो इन्जॉय कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन गर्मियों में मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है यहाँ आना, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यार ये देखो पूरा सन जो है इस टाइम पे पानी के अंदर से रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप देख सकते हो भाई मेरी सीधी आंखों में गिर रहा है, बट ये एक अलग ही व्यू है, ठीक है, ऐसा कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये देखो भाई, वो देखो वो स्नो गिरी हुई है, बस थोड़े टाइम बाद ये सारे कहीं यहाँ पर स्नो जम जाएगी। और एक चीज़ और बताऊँ यार आपको,
यहाँ पे मुझे पता क्या लग रहा है, लगभग हर बंदा यहाँ पे कैमरे के साथ फेमिलियर है, हर किसी को पता है यहाँ व्लॉग शूट हो रहा है, तो बंदे मतलब ज़्यादा एम्बेरेसिंग नहीं, मतलब या ऑकवर्ड रिएक्शन नहीं है उनके किसी के भी। डिसीजन यार जो मैंने अभी रूम से निकलने से पहले जो लिया है वो सबसे गलत डिसीजन मुझे लग रहा है, कि मैं इतने सारे कपड़े पहन के आ गया, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी, बट भाई चलते टाइम इतनी गर्मी लग रही है ना इस टाइम से, कसम से मुझे लग रहा है कि लगभग हर चीज़ खोल दूँ, बट स्टिल अब खोल नहीं सकता यार, क्योंकि अब इतनी पसीना पड़ गया हुआ अंदर ना, अगर खोला तो बीमार भी हो सकता हूँ, तो क्यों ऐसे रिस्क लेना है। ठीक है, आज का दिन ही है वैसे भी, यहाँ पे ये लास्ट डे है यहाँ पे, और वहाँ सामने चल रहा है हुक्का, दिखाता हूँ। एक चीज़ बताऊँ, ये चीज़ें पब्लिक प्लेस पे नहीं करनी चाहिए, पता नहीं क्यों कर रहे थे, ऊपर से ये सारे जो मतलब कितना ग्रुप था, मैंने ध्यान से देखा भी नहीं, वीडियो जस्ट शूट करी आपको दिखाने के लिए कि क्या यार ये पब्लिक प्लेस पे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फैमिलीज आती हैं यार। ठीक है, अभी मेरी फैमिली आई होगी तो मैं भी थोड़ा ऑकवर्ड फील करूँगा कि क्या यार, घर वालों को कैसे बोलूँगा कि हाँ भाई मुझे घूमने आना है। ठीक है, ये सब चीज़ें यार थोड़ा करना है, पर्सनली करो यार, आपकी शौक है पूरे करो, बट ऐसे नहीं यार पब्लिक प्लेस पे आकर, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। बट अभी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं जो आपको खजियार का बोल रहा था ना, वो व्यू यहाँ से आएगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा था कि ये बिल्कुल मुझे खजियार वाली फील दे रहा है। तो ये देखो, ये सारा देखो पेड़ों से घिरा हुआ है, और ये बीच में लेक है, फिर इस साइड है, और इस टाइम पर ट्रैफिक होने का सबसे बड़ा रीज़न है ना भाई, वो है सनसेट व्यू। जी हाँ, जो आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा था। ठीक है, और बाकी ये एक मंदिर भी है भाई डल लेक के अंदर। अभी देखने वाली चीज़ ये कि जब स्नो फॉल होगा अच्छे से यहाँ पे, तो उस टाइम पे ये मंदिर दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ देखने वाली होंगी, तो मैं ट्राई करूँगा जब ज़्यादा स्नोफॉल हो जाएगा उस टाइम पे मैं फिर से यहाँ पे आ पाऊँ। तो ये देखो भाई, और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम मुझे लग रहा है चल रहा है यहाँ पे, इसको और अच्छा बनाने की कोशिश हो रही है भाई। हिमाचल में आओ आप भी यार, मज़े लो। ठीक है, ये देखो भाई, ये क्या वेट कर रही है बेचारी, बेचारी है या बेचारा है पता नहीं क्या है। ठीक है, ये भी है, पता है यहाँ पे एक चीज़ और है, तो यार यहाँ पे ना ठीक है टूरिस्ट तो बहुत ज़्यादा आते हैं, बट यहाँ पे डॉग्स भी बहुत ज़्यादा है, और इतने ज़बरदस्त डॉग्स हैं ना भाई, कसम से दिल कर रहा है अपने साथ ही लेके चले जाएं, इतने हेल्दी हैं, मतलब इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ है उनकी ना, और वो कोई ब्रीड्स ही है यार, पर यहाँ पे कैसे वो आ गए हैं मुझे समझ नहीं आया अभी तक। एक तो गद्दी ब्रीड का मुझे पता है जो इस साइड पर ज़्यादा होती है, वो भी काफ़ी अच्छी ब्रीड होती है, लेकिन और भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स हैं यहाँ पर। यार मैं बिल्कुल पीछे आ गया हूँ, ठीक है, यहाँ से देखो, ये देखो जब पानी ज़्यादा होगा, ठीक है, गर्मियों के टाइम पे जब बारिश वगैरह होगी उस टाइम पे मज़ा आएगा यहाँ, और दूसरा स्नोफॉल के टाइम, क्योंकि ये मंदिर वगैरह जो है ना यार, ये सारी चीज़ें जब स्नो से कवर हो जाएगी तो एक अलग ही नज़र आएगा सब कुछ, मतलब एक नज़ारा अलग ही होगा यहाँ का। ये देखो ऊपर रोड है, चलते हैं अभी भाई। भाई फिर से मैंने जैकेट पहन ली अब, तो यार वहाँ रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, पता है बहुत से व्लॉगर्स जो हैं वो ट्रैफिक की कंप्लेन करते रहते हैं, बट मुझे लग रहा है ये तो शहरों से भी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर। ये नज़ारा है, और ऊपर से मतलब यहाँ पे ना सीढ़ियाँ वगैरह बना रखी हैं, अगर आप थोड़ा पैदल चलते हो तो आपको रोड पे चलने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, हर जगह मोस्टली सीढ़ियाँ हैं ही हैं। अभी मैं भी चाह रहा हूँ वापस यार, देख लो। और एक चीज़ और है भाई, मैं थंबनेल पता है पहले से थोड़ा चूज़ नहीं करता मुझे, जो कि थोड़ा एक प्रॉब्लम लगती है भाई, अंधेरा अंधेरा हो गया, ऐसे चलना पड़ेगा मुझे पकड़ के, चाहे आगे से मुझे कोई ठोक जाए, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे मोड़ बहुत ज़्यादा, तो भाई एकदम से गाड़ियाँ आती पता नहीं चलता, तो आप फिर से वापस रूम पे जा रहे हैं। दवाई भी ले ली आपके सामने, तो यार आप आना चाहते हो तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको यहाँ आना है ना, सिर्फ एक दिन के लिए आओ, उससे ऊपर यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जो चीज़ें घूमने वाली यहाँ पे हैं, डल लेक है, सनसेट व्यू है, एक गुनी माता का टेम्पल जो उसका ट्रैक है कुछ, ठीक है, वो एक दिन में सारा कुछ हो जाएगा। सुबह सुबह जल्दी आ जाओ और शाम को आप वापस जा सकते हो आराम से। और अभी रोड पूरा स्टीप है, तो भाई सांस चढ़ रही है मुझे, तो मुझे लगता है वो व्लॉग में दिख भी रहा होगा, तो चलो ऊपर चढ़ के मिलता हूँ आपसे। तो पहले मैं उस रोड से घूम के आया था पूरा, ठीक है, यहाँ नीचे सीढ़ियों को उतरा था, लेकिन अब मैं यहाँ सीढ़ियों से जा रहा हूँ, क्योंकि भाई उस साइड ट्रैफिक देख लो, गाड़ियाँ चली हुई हैं और पूरा एक टर्न है, कब कुछ भी हो सकता है, तो रिस्क क्यों लेना। ठीक है, इसलिए अगर आप पैदल घूमने आते हो तो भाई ज़्यादा प्रेफर करो सीढ़ियों को ही, सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ को, देख लो फाइनली जो सीढ़ियाँ ख़त्म हुई हैं यहाँ पे आके हुई हैं, यहाँ से व्यू देखो। अगर आप ये सोचते हो यार मैं वीडियो में व्यू करता हूँ, तो भाई हिमाचल में हाई व्यू है सारा। ठीक है, सांस बहुत ज़्यादा फुल,
हालत खराब है। सो गाइज, दिस इज द नेक्स्ट डे एंड इट इज अ टाइम टू से गुड बाई टू दिस ब्यूटिफुल रूम। और साथ ही साथ भाई व्यू देखो कैसा आ रहा है। अभी टाइम लेगा ये थोड़ा सेट होने में। ये देखो भाई क्या मस्त व्यू है। मतलब सीधे बेड से उठो और सीधा कर्टन साइड करो तो ये चीज़ें देखने को मिलती है, मज़ा है। तो चलिए अब चलते हैं यार, आज घर को जाना है। ठीक है, ये हमारे 3 दिन यहाँ पे नड्डी हुए थे। आप बताना कैसा है और आगे जाके थोड़ा और भी बात करेंगे आज के, मतलब जो मेरा 3 दिन का यहाँ टूर था या ट्रिप था, इसके बारे में बात करेंगे कि आपको कितने दिन का प्लान करना चाहिए, क्या क्या जगह देखने वाली है, थोड़ा डिटेल में बात भी करेंगे इसके बारे में। तो चलिए चलते हैं और बाय बाय इस रूम को, बाय। तो यार अभी रूम से बाहर निकल आए हैं और हाथ तो भाई ऐसे जम चुके कहीं भाई, हम यहीं से हिमाचल। तो यार हाथ पूरे ठंडे हो चुके हैं भैया, यहाँ पे बोल रहे थे कि हैंड लूम्स वगैरह ले लो। तो भाई हम लोकली तो हैं, हमें सारा पता है कहाँ पे क्या मिलता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, ठीक है, 9 बजे का टाइम है और हवा इतनी ठंडी चल रही है ना, इतनी ठंडी लग रही है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि गलत डिसीजन था जैकेट डालना, बट आज मुझे लग रहा है सही डिसीजन है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। चलो अभी आगे चलते हैं और आज भी हम सोच रहे हैं कि नीचे तक पैदल ही जाएं क्योंकि यार मज़ा आता है, चलो चलने में भी ऐसे मौसम को भी इंजॉय कर सकते हैं। गाइस इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग हियर और भाई मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका है, क्या बोलूं भाई। ऊपर तो जैसे मैं आपको बोल रहा था कि हवा चल रही है, अब तो उससे भी खतरनाक मौसम हो चुका है भाई। क्या ये बड़ा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब 3-4 दिन तो यहाँ पे वैसे भी मौसम ख़राब ही बताया है और यार एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं ऐसी जगह पे। मतलब कुछ टाइम बाद अब स्नोफॉल हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा, फिर तो वैसे ही यहाँ पे ठंडा रहेगा मौसम बहुत ज़्यादा, इसलिए फिर जो आना चाहे वो आ सकता है। बट एक बार वेदर ज़रूर देख के आना, ठीक है, वेदर फोरकास्ट चेक करके ही आना। अभी मैंने चेक करा था, मतलब कल रात में करा था, तो अब 3-4 दिन तो बारिश ही बताई हुई है यहाँ पे। तो गाइज एक चीज़ और मुझे पता चली है कि भाई यहाँ से बसेस भी जाती हैं धर्मशाला को। जी हाँ, तो मतलब जो हम 150-200 रुपया खर्च करके आ रहे हैं वो सिर्फ हम 20-30 रुपये में यहाँ पे पहुँच सकते हैं और 20-30 रुपये में ही यहाँ पे जा सकते हैं। जी हाँ, ये चीज़ हमें भी किसी ने नहीं बताई थी और ये मुझे अभी पर्सनली खुद पता चली है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और आगे भाई कुत्तों की गैंग खड़ी है, देखते हैं मारने देती है कि नहीं भाई। इनका मतलब ना अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, तो वही हिसाब है। चलो देखते हैं भाई, वो देखो वो सामने कुत्ता खड़ा है, ऐसे घूर रहा है, मुझे नहीं लगता जाने देगा कि क्या करता है ये भाई। देखते हैं भाई, मत यार। तो भाई ये देखो कुत्ता खड़ा देख रहा है यहाँ वहाँ। भाई मत यार, प्लीज़ यार भाई, जाने दे जाने दे भाई। अभी तक तो कुछ नहीं बोल रहा बड़ा शरीफ। और उसको देखो वो गाय के पास बैठा है, कितना मस्त लग रहा है। तो यार ये देखो, देख सकते हो आप नड्डी से, मतलब यहाँ होते हुए ये जो रास्ता है ये मैकलो को जाता है 2 किलोमीटर और बागसुनाग 3 किलोमीटर यहाँ से। ठीक है,